जो पुरातत्वों के अवशेष हैं उन सबको खुरदमुर कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। मंदिरों में मस्जिदें बनाई जा रही है, साथ साथ सामूहिक बलात्कार होते हैं, सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है, संरक्षण देती है और वहाँ के माननीय विधायकगण उन पर सारा काम करने में अब सहयोग करते हैं। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आतंकवादियों का अड्डा मेवात क्षेत्र हो गया। ये हमारा सौभाग्य है कि श्री कृष्ण भगवान हिंदुस्तान में पैदा हुए और उनकी जो कृष्ण लीलाओं का जो क्षेत्र रहा है, ब्रज क्षेत्र जिसको कहते हैं, उसका कुछ भाग राजस्थान में भी। लेकिन कांग्रेस ने बेईमानी पूर्वक 1987 में योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिम बाहुल्य कहकर के उसको मेवात क्षेत्र घोषित कर दिया और मेवात विकास बोर्ड बना दिया। इसके कारण से उनको बहुत संरक्षण मिल गया और आज स्थिति यह है कि आज जितने भी श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं के अवशेष थे, जितने भी धार्मिक स्थान हैं, जितने भी उस समय के जो पुरातत्वों के अवशेष हैं, उन सबको खुरदमुर कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। मंदिरों में मस्जिदें बनाई जा रही है, वहाँ के बच्चियों को खिलौनों की तरह उठा उठा कर लोग लेके जा रहे हैं, अनुसूचित जाति के लोगों से सारी जमीनें छीन ली गई हैं। और मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आतंकवादियों का अड्डा मेवात क्षेत्र हो गया। रोज गोमांस पकड़ा जाता है, गायों को काटा जाता है, 15-15 दिन के अंदर 7-7 सामूहिक बलात्कार होते हैं, सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है, संरक्षण देती है और वहाँ के माननीय विधायकगण उनको ये सारा काम करने में अब सहयोग करते हैं, उनकी सिफारिश करते हैं। इसका एक उदाहरण है, एक बच्ची के साथ जाती हुई, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, उसने जाकर हरियाणा में रिपोर्ट दर्ज करवाई क्योंकि हरियाणा और सीमा लगी हुई है, तो NIA ने उसकी जाँच की तो 7 लोग पकड़े गए और अभी भी NIA की जांच चल रही है। इसी प्रकार से वहां के कुछ लोगों के आतंकवादी संगठनों से तालमेल है और वहां के लोग पकड़े गए हैं, पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो चाहे तालिबान हो, इस प्रकार के संगठनों से भी इनके ये हैं। मैं समझता हूँ योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस ने ब्रज क्षेत्र को समाप्त करने का निर्णय लिया जो ठीक नहीं था।